जो मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा हो जाती थी, मुझे कोई गंदा काम करे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब मैं निगलेक्ट करती हूँ। चलो ये ऐसा ही है, हम अपने तरीके से अलग रहते हैं, उनको उनके हिसाब से रहने दो, अब ये सोच हो गई। और इतना अच्छा लगता है, अभी घर में भी सब नॉर्मल हो गए ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नॉर्मल हो गई। सभी को मेरा नमस्ते। महर्षि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम उनको। मेरा नाम हेतल शाह है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ध्यान में जुड़े हुए मुझे सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं। शुरुआत में मैं दीप्ति कटारमल जो है उनके साथ में जुड़ी हुई थी, तब मुझे पता नहीं था पीएमसी हिंदी चैनल क्या है, कुछ भी पता नहीं था, मेडिटेशन भी क्या है वो भी पता नहीं था। सिर्फ मेरी एक भाभी है, उन्होंने बोला कि चल तू मेरे साथ आ, मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स जो जॉइंट में रहते हैं और जो सास ससुर के होते हैं वही थे। तो उन्होंने बोला कि तू एक बार चल मेरे साथ, अमावस का ध्यान है। तो वहाँ पर मैं गई, रेगुलर ध्यान नहीं करती थी, वहाँ पर गई सही फिर ध्यान नहीं करती थी, फिर 15 दिन बाद वापस पूनम का ध्यान करने गई, ऐसे ऐसे शुरुआत हुई, फिर रेगुलर करने लगी, थोड़ा अच्छा लगने लगा कि भाई चलो मन तो शांत रहता है, उससे गुस्सा कम आता है। फिर ध्यान में जुड़े हुए जूम पे दीप्ति बहन के साथ मैंने मई महीने से रेगुलर टाइम स्टार्ट किया। वो 9:30 का टाइम रखते थे रात को, तो रात को उनके सेशन सुनती और ध्यान में बिठाते तो ध्यान करती, बस उतना ही ध्यान करती थी। फिर धीरे धीरे सुबह में जल्दी उठ के ध्यान करना शुरू किया, फिर JTTP 3 जो मास्टर्स ने चालू किया, रामा राजू सर ने चालू किया था, तो उनमें जॉइंट हुई। 21 दिन का वो सुबह में जो ध्यान कराते थे उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मेरे पैर में तकलीफ़ हो गई कि मैं मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मैंने दीप्ति बहन से भी बात की कि भाई मुझे पैर में बहुत दर्द होता है, मैं ये नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ध्यान करो, जितना बन हो सके उतना ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करोगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर में 6-7 लोगों का खाना बनाना, पूरा दिन काम करना, तो टाइम नहीं निकाल पाती थी। सुबह उठी, सुबह जल्दी उठ के फिर 21 दिन का जब ध्यान किया तो पैरों में इतना दर्द होने के कारण भी तकलीफ होती थी, फिर भी मैं करती थी, कोई नहीं चलो। मुझे कोई अनुभव ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ दिखता है या कोई टर्नल में गई, मुझे ऐसा कोई अनुभव, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं आँखें बंद करके बैठती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे आज ये कंडीशन है कि मैं जो चल नहीं पाती थी, मुझे इतना प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने तक का बोला था लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाने था। उस दिन मुझे, मैं हॉस्पिटल से निकली तो मैं इतना रोई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं ध्यान में बैठती थी तो मैंने पक्का किया कि भाई मुझे ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। आज मैं 3 घंटा जैसे हो जाता है कभी कभी ध्यान ऐसा करती हूँ, टाइम निकाल निकाल के मैं 3-4 घंटे ऐसे निकाल लेती हूँ और मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट तो मेडिटेशन, बस। मेरे घर में सब बोलते हैं तू ज़्यादा जब भी चाहो तो तुझे देखे तो यही बोलते हैं कि भाई तू तो आंखें बंद करके बैठी रहती है और मैं बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको ऐसा लगा कि भाई इसमें फ़र्क आया है, जो मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पर मैं गुस्सा हो जाती थी, मुझे कोई गंदा काम करे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब मैं निगलेक्ट करती हूँ। चलो ये ऐसा ही है, हम अपने तरीके से अलग रहते हैं, उनको उनके हिसाब से रहने दो, अब ये सोच हो गई। और इतना अच्छा लगता है, अभी घर में भी सब नॉर्मल हो गए ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नॉर्मल हो गई। बस इसी वजह से मैं मेडिटेशन में और आगे जाना चाहती हूँ, जितना हो सके उतना आगे जाना चाहती हूँ।
और यही इच्छा है कि भाई अभी उसको तो छोड़ना ही नहीं है मेडिटेशन को। लोगों को मैं बताती भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सबको बात भी मैं करती हूँ, लेकिन अभी नए नए हैं तो उनको अपनी बात हजम नहीं होती है। जब आगे देखेंगे तो हजम हो जाएगी, अभी नहीं होती है। बस मैं सभी मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स के बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ। धन्यवाद।